पर्यावरण को लेके सरकारों का काम करना, पर्यावरण को लेके आम जनता का रुझान बनाना, सेगमेंट जितने भी है संसार में जो पर्यावरण में शुद्धता लाने का प्रयास करे, सबका स्वागत है। पर याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश का इतिहास। 6.5 करोड़ नर्मदा किनारे पौधे, मीडिया के लोगों ने भी फिजिकल सर्वे किया था, कई लोग गए थे, एक पौधा नहीं मिला। पौधा लगाना, विज्ञापन देना, इवेंट करना, सरकार का पैसा लगाना, सरकार इतनी ही जिम्मेदारी अपनी नहीं समझे। उस पौधे को जिंदा रखना भी मैं समझता हूं उसके पीछे का मैकेनिज्म होता है। बीजेपी का की हिस्ट्री ये कहती है कि उनकी सरकार ने 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे खरबों रुपए खर्च करके। जब पता लगा कि रुपए का है पौधे का है, दोनों करप्शन की जांच में है, आज विधानसभा के किसी न किसी फाइलों में है वो। जहां तक अब इंदौर का सवाल है, 51.5 लाख पौधे, 51 लाख पौधे, एक पौधे का जो सेगमेंट है, जो क्षेत्रफल है, अगर उस क्षेत्रफल को छोटे से छोटे पौधे को भी, तो 51 लाख पौधे लगाने में कितना बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, और फिर उस ना जितना क्षेत्रफल चाहिए उससे इंदौर जितना उससे पूरा डबल चाहिए अगर 51 लाख पौधे लगाने पड़े। लगाना स्वागत योग्य है, पहले उसके लिए नकारात्मकता नहीं, पर सवाल यह है कि इवेंट भी कितना बड़ा है। मैं जागरूक मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश को एक हिसाब ये भी देना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, बार बार लगाना चाहिए, हम भी सहयोगी हैं, पर उनकी सुरक्षा का अंतिम दायित्व भी होना चाहिए और सच भी होना चाहिए। सच सच इसलिए कि एक पौधे का क्षेत्रफल जितना होता है अगर 51 लाख लगेंगे तो जितना इंदौर आज उससे डबल चाहिए। अमरवाड़ा चुनाव 17 राउंड तक कांग्रेस पार्टी जीत की ओर थी। आखिरी 17 राउंड बाद 18वें राउंड में 1 घंटे गिनती रोकी गई। पूछा गया क्यों रोकी, तो लंच के लिए छूट दी गई, समझ से परे था। पर फिर भी पूरा प्रशासन, उसका अर्थबल, कलेक्टर, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, बाद में ही आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, आशा और आंगनवाड़ी की बहनें, जितने कर्मचारी होते हैं सबको वोट डालने के लिए लगाया गया। उसके अलावा भी अर्थबल का क्या मैकेनिज्म, खुला शराब अधिकारियों कैसे बांटते हैं आदिवासी क्षेत्र में, खुली शराब कर्मचारी कैसे बांटते हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। वहां हर आदमी को पता है, अगर बात करते हैं अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में तो सब बताते हैं कि प्रशासन का अद्भुत तांडव में मात्र 3000 वोट से चुनाव जीतना इस सरकार की नैतिक हार है।